कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप सब बहुत परेशान थे कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और स्टिल अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, जिस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही बिल्कुल भी। तो लेकिन आप लोगों के इतने आप परेशान हो रहे थे, इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जितना मैंने पहले से शूट करके रखा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये ना, ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये उसी दिन का ही है। और ये उसी दिन जिस दिन मैंने चने बनाए थे ना, काले चने, तो उस दिन का और नेक्स्ट डे का ये थोड़ा सा ब्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बेसिकली मैं ब्लॉग तो बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं अपलोड करूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके बेटे हुज़ैफ़ा की कल बर्थडे थी और उसको भी मैंने विश करना था, बट अगेन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उसको भी विश नहीं कर पाई। तो सबसे पहले तो उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे, और हमेशा हुज़ैफ़ा खुश रहे। हुज़ैफ़ा को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ़ से। और मैंने आप सबके नाम भी लेने थे, लेकिन बस तबीयत इस तरह की हो चुकी है। बट इंशाल्लाह जैसे ही मैं कल या फिर कोशिश करूँगी कल ले लूँ या परसों तक, मैं ज़रूर आप नाम ले लूँगी आप लोगों के और आप लोगों की कैट्स के। अच्छा, तो यहाँ पर ना हम लोग हेज़ल को हमने पकड़ा हुआ था। हेज़ल के ना हेयर मैट्स बहुत ज़्यादा बन चुके थे, क्योंकि आपको पता है हेज़ल बीमार थी पिछले दिनों। तो जब वो बीमार थी, उसको बार बार सीरप पिलाना, पानी पिलाना, ख़ुद से जो उसकी फीट जो है वो लिक्विड करके देना, और उस वजह से ना इसने इसकी ना इतने हम लोग प्रॉपर केयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले स्ट्रेस में थी। सिरप पिलाते थे वो और स्ट्रेस में आ जाती थी, जिस वजह से ना उसके हेयर मैट्स बन गए। तो अब मैंने कहा था, मुझे था कि ये एक दफ़ा ठीक हो जाए, मैं फिर इसकी ग्रूमिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसके अभी हेयर मैट्स कट करने शुरू कर दिए ना, तो इसने फिर और डिस्टर्ब हो जाना। ये पहले ही अपनी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब है। तो अब हम इसके हेयर मैट्स रिमूव कर रहे थे, और मुझसे किसी ने, दो तीन लोगों ने पूछा भी था कि कैट को हेयर मैट्स हो जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपकी कैट को एक दफ़ा हेयर मैट्स हो गए हैं ना, तो फिर उसका कोई सलूशन नहीं होता, उसको उतारना ही पड़ता है। मैं यहाँ पे सीज़र के साथ कट कर रही हूँ, और बिल्कुल देहात से करना है, क्योंकि ये बिल्कुल स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो गलती से भी थोड़ी सी भी स्किन ना कट जाए कैट की। तो बहुत एहतियात से करें। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, तो फिर आप वेट के पास ले जाएँ, डॉक्टर से करवा लें। अच्छा, इसके लिए शेव भी करवा सकते हैं कैट को, लेकिन अभी सर्दी है, गर्मियां नहीं है, इसलिए हम हेज़ल को शेव नहीं करवा सकते। सर्दियों में कभी कैट को शेव नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए मैं उसके हेयर मैट्स रिमूव कर रही हूँ, और एक दफ़ा जब आप रिमूव कर लेंगे, तो उसके बाद रेगुलर ब्रश करें, तो फिर कभी भी हेयर मैट्स नहीं बनते हैं। लेकिन एक दफ़ा लाजमी उतारने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ना उतारें तो कैट्स की स्किन के नीचे ना स्किन पे ज़ख़म होने लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और अभी यहाँ पर मतली चैनल लगा हुआ था, और ये हमारी छोटी मिनी को देखें कितनी पागल हो रही है। अच्छा, वो ना ऐसे देख रही है एलईडी में, जैसे ना उसको लग रहा है कि इसके अंदर कोई है और मैं उसको निकाल लूँ। जब हम लोग भी छोटे होते थे ना, तो हम भी ऐसे ही करते थे। जब कार्टून्स लगते थे या कोई भी ड्रामा लगता था, तो मैं ये सोचा करती थी कि ये सारे कैरेक्टर्स क्या इस टीवी के अंदर हैं। वही वाली चीज़ ना, मिनी को भी आज यही फील हो रहा है कि ये सब शायद इसके अंदर हैं, इसलिए वो इतनी क्यूरियोसिटी के साथ जो है ना वो देख रही है, उनको फुल इंटरेस्ट ले रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सबका बहुत बहुत प्यार, आप इतना मेरे मुझसे प्यार करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही इंशाल्लाह मैं कभी भी व्लॉग्स बनाने नहीं छोड़ूंगी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स भी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मैं अभी नमाज़ के लिए उठी थी, फजर की नमाज़ के लिए, और जब मैं पढ़ कर आई हूँ, तो मिस्टर मफिन मेरे तकियों पर बैठे हुए हैं। मफिन मफिन, आगे जा के सोना, मैं कहाँ सोऊंगी बेटे, मम्मा की जगह पर सो रहे हो। ये ना ऐसे ही करते हैं, जब भी ना हम लोग सोए हुए उठे ना, तो भाग के हमारी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। पहले ये यहाँ पे सो रहा था, मेरे और फुज़ैल के दरमियान सो रहा था। वो देखें, फ्लोरा भी सो रही है हमारे साथ दरमियान में। मफिन, अभी रूम की लाइट भी ऑफ है, उठ जाना, मम्मा ने सोना है बेटे। मोटे नोज वाले मफिन, मोटे नोज वाले मफिन।
मेरी बात सुनो, आपने नमाज नहीं पढ़नी होती है, आपने नहीं पढ़नी होती है, मेरे गुग्गे ने नहीं पढ़नी होती, मेरे गुग्गे ने। और ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैंने फुज़ैल को ब्रेकफास्ट बना के दिया था, वही काले चने जो बनाए हुए थे रात को, और साथ पराठे और एग था। और मिस ब्राउनी भी एग खाने के लिए पहुँच गई हैं। व्लॉग आज का बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं बस ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, क्यों व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। कल कोशिश करूँगी लंबा व्लॉग डालूँ मैं, लेकिन आप लोगों को बताना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये मेरा ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा मैंने पराठा लिया है फुज़ैल के पराठे में से ही थोड़ा सा ले लिया है, और बाकी मेरे पास ये मैंने थोड़े से चने ले लिए हैं। और इसकी रेसिपी भी इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। कोशिश करती हूँ अभी अपलोड कर दूँ उसको भी एडिट करके। तो बस फीवर और सर में दर्द और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा थी, तो उठा ही नहीं जा रहा ना, आप समझ लें। मैं 2-3 दिन से ना बस मुसलसल बेड पर ही रेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी कंडीशन हुई हुई है। ये देखें मिनी कहाँ पे घुसी हुई है, यहाँ पे मैंने अभी बिस्किट्स निकाले और वो देखें बकेट के अंदर घुस गई है कि मैं इसके अंदर से खा लूंगी। मिनी बाहर आ जाओ ना, आपको बाहर खिला देते हैं। ये देखें वो बैग इनका खत्म होने वाला है, ये भी पड़ा हुआ है, अभी खोला नहीं है। आप लोग यहाँ क्यों आ गए हो, आप वहां जाओ खाने, चलो आ जाओ इधर। मिनी ने नहीं आना बाहर, वो कह रही है मैं अंदर ही खाऊंगी। मिनी नहीं आ रही ना, मिनी आ जा बेटे बाहर आके खा लो ना, बाहर भी दे रहे हैं आपको। आ जाओ मेरे बेटे। नहीं जी, वो कहती है मैं तो अंदर ही खाऊंगी। बुलाओ इसको जो मैं। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।